So, my dear students, in our previous class, we have completed the reading section of our poem, A Laughing Song. Now, in this lecture, we will start the question answer of this poem. So, let's start the question answer of our poem, A Laughing Song. A little more about the poem. यहाँ पर हम क्या करेंगे, poem के बारे में थोड़ा और जानेंगे. Okay. Our question number first is, how does the poet describe the following? Okay, तो यहाँ पर इस question में क्या पूछा गया है आपसे कि वो जो poet है उसने इन चीज़ों को किस तरह से describe किया है. यहाँ पर कुछ हमें names दिए हुए हैं, उन names को उन्होंने किस तरह से describe किया है poem के अंदर, वो हमें बताना है. First है हमारा the stream, the green hill, the meadows. Okay, तो ये जो words हैं इनको poem में किस तरह से describe किया गया है ये हमें बताना है. Okay, तो the stream, stream मतलब होता है जो नदी की जो धारा होती है, पानी की धारा होती है, तो उसे किस तरह से describe किया गया है. The green hill, जो हरी पहाड़ियाँ होती हैं उन्हें किस तरह से describe किया गया है, और द मीडोज, जो हरे घास के मैदान होते हैं उन्हें किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है वो हमें यहाँ पर बताना है. ओके, सो आवर फर्स्ट वर्ड इज द स्ट्रीम. सो स्ट्रीम को कैसे डिस्क्राइब किया गया है, द डिम्पलिंग स्ट्रीम रन्स लाफिंग बाय. ओके, जो पानी की धारा है वो कैसी लगती है उसे, जो पोएट है वो जो नदी की धारा आ रही है उसे वो कैसी दिखाई देती है, उन्हें वो इस तरह से दिखाई देती है जैसे कि द डिम्पलिंग स्ट्रीम रन्स लाफिंग बाय, जैसे कि किसी वो जो नदी है वो क्या कर रही है, मुस्कुरा रही है, उसमें एक डिम्पल पड़ रहा है और उसमें क्या हो रहा है, वो हंस रही हो ऐसा लग रहा है. ओके, तो स्ट्रीम को उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि वो हंस रही है और उसमें ऐसा लग रहा है मानो जैसे डिम्पल पड़ रहे हैं. ओके, नाउ द ग्रीन हिल, द ग्रीन हिल लाफ्स विद द नॉइस ऑफ द सराउंडिंग. ग्रीन हिल को जब उन्होंने डिस्क्राइब किया है तो ग्रीन हिल के बारे में उन्होंने ऐसा बताया है कि जो हरे पहाड़ हैं उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वो क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं, और उनके आसपास की जो आवाज़ है, उनके आसपास जो हवा चल रही है उसकी जो आवाज़ है उससे क्या कर रहे हैं, वो जो हरे पहाड़ हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो मुस्कुरा रहे हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज़ द मीडोस. ओके, तो जो हरे घास के मैदान हैं वो कैसे दिखाई दे रहे हैं, द मीडोस लाफ विद द लाइवली ग्रीनरी. ओके, जो हरे घास के मैदान हैं वो ऐसे लग रहे हैं कि जो आसपास की हरियाली है उससे क्या लग रहा है कि वो ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल जी उठे हैं, वो बिल्कुल लाइवली मतलब कि वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जीवंत हो उठे हैं, उनमें जान आ गई है, इस तरह से वो दिखाई दे रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, मुस्कुराते हुए लग रहे हैं. ओके, अवर क्वेश्चन नंबर टू इज, वॉट आर द ग्रॉस होपर बर्ड्स एंड द चिल्ड्रन डूइंग. ओके, वो जो ग्रॉस होपर है, बर्ड्स हैं और जो चिल्ड्रन हैं, मतलब कि वहाँ पर जो ग्रॉस होपर था, जो पक्षी थे और जो बच्चे थे, वो क्या कर रहे थे. यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो ग्रॉस होपर था, पक्षी और जो बच्चे थे, वो क्या कर रहे थे. So, our answer is, the grasshopper is laughing merrily. The birds are laughing in the shade and the children are singing, ha ha hey. Okay, तो जो grasshopper है वो क्या कर रहा है, बहुत ही खुशी के साथ क्या कर रहा है, हंस रहा है. The birds are laughing in the shade. और जो पक्षी हैं वो क्या कर रहे हैं, वो पेड़ पौधों की छाया में क्या कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं. एंड द चिल्ड्रंस आर सिंगिंग हा हा हे. और जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, एक
सॉन्ग गा रहे हैं, हा हा हे। ओके, तो क्या है हमारा आंसर कि ग्रोसोपर जो वो क्या कर रहा है, वो बिल्कुल खुश होकर हंस रहा है। वो वहाँ का जो वो मनोरम दृश्य है, वहाँ की जो नेचर की जो ब्यूटी है, उसे देखकर क्या कर रहा है, उसका मन खुश हो गया और वो क्या कर रहा है, खुशी से हंस रहा है। द बर्ड्स आर लाफिंग इन द शेड, और जो पक्षी है वो क्या कर रहे हैं, पेड़ों की छाया में मुस्कुरा रहे हैं। एंड द चिल्ड्रंस आर सिंगिंग हा हा हे, और जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, हा हा हे सॉन्ग गा रहे हैं, जो हा हा हे गीत है उसे गा रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हेन द पेंटेड बर्ड्स लाफ इन द शेड, हियर द पोएट सीम्स टू बी टॉकिंग अबाउट पेंटिंग ऑफ अ लैंडस्केप, डू यू एग्री, गिव रीजंस। ये सेंटेंस जब बोला गया है कि व्हेन द पेंटेड बर्ड्स लाफ इन द शेड, हियर द पोएट सीम्स टू बी टॉकिंग अबाउट पेंटिंग ऑफ अ लैंडस्केप, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि पोएट जो है वो इस पूरे जो हमारा मनोरम दृश्य है, जो हमारे प्रकृति का दृश्य है, उसकी एक प्राकृतिक सुंदरता के बारे में, उसकी एक पेंटिंग के बारे में बात कर रहा है? क्या आपको ऐसा लगता है, और अगर ऐसा लगता है तो क्यों? सो अवर आंसर इज यस, आई एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट। द पेंटेड बर्ड्स इन्वाइटेड अस टू बी अलाइव एंड बी मेरी एंड टू जॉइन देम इन द स्वीट कोरस ऑफ हा हा हे। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है, हम बोल रहे हैं यस, हाँ, आई एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट। हम इस स्टेटमेंट से बिल्कुल एग्री करते हैं कि यहाँ पर किसकी बात की गई है, एक प्राकृतिक सुंदर दृश्य की बात की गई है। द पेंटेड बर्ड इन्वाइटेड अस टू बी अलाइव एंड बी मैरी, जो ये पेंटेड बर्ड है, मतलब कि ये जो रंग बिरंगे पक्षी हैं, वो क्या कर रहे हैं, हमें इन्वाइट कर रहे हैं, हमें इस चीज़ के लिए बुला रहे हैं कि क्या करें हम उनके साथ, बी अलाइव एंड बी मैरी, उनके साथ ज्वाइन करें, उनके साथ खुश रहें, एंड ज्वाइन देम इन द स्वीट कोरस ऑफ हा हा हे, और उनके साथ जो वो स्वीट सा सॉन्ग गा रहे हैं, स्वीट सा जो गाना है वो गा रहे हैं, उसके साथ क्या करें हम, ज्वाइन करें हा हा हे, उनका जो स्वीट कोरस है हा हा हे, उसे हम क्या करें, सब ज्वाइन करें। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हाई इज द पोएट आस्किंग अस टू जॉइन द स्वीट कोरस अलोंग विथ हिम, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द पोएट्स इंटेंशन इज डूइंग इन डूइंग दिस। आपको क्या लगता है कि पोएट जो है वो हम सबको द स्वीट कोरस, मतलब कि वो जो गाना है, वो जो सॉन्ग है, उसे साथ में ज्वाइन करने के लिए क्यों कह रहा है, एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द पोएट्स इंटेंशन इन डूइंग दिस, और ये सब करने में पोएट का जो इंटेंशन है वो क्या है, पोएट की जो भावना है वो क्या है, कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक है, सो आवर आंसर इज, द पोएट इज आस्किंग अस टू जॉइन द स्वीट कोरस अलॉन्ग विथ हिम टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड सिंग मैरिली आउट ऑफ जॉय। तो पोएट जो है वो हम सबको स्वीट कोरस को ज्वाइन करने के लिए इसलिए कह रहा है ताकि हम क्या करें, हम इन्जॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर, हम जो हमारे प्राकृतिक की सुंदरता है, प्रकृति की सुंदरता है, उसको क्या कर सकें, इन्जॉय कर सकें, एंड सिंग मैरिली आउट ऑफ जॉय, और पूरी तरह से मस्ती में हम क्या कर सकें, खुश होकर गा सकें। तो इसके लिए क्या करना चाहता है पोएट, क्या करता है वो स्वीट कोरस ज्वाइन करने के लिए कहता है, और इसके पीछे उसका इंटेंशन क्या है, क्योंकि वो क्या करता है, प्रकृति से उसका बहुत ज़्यादा लगाव है, यही उसका इसके पीछे इंटेंशन है, इसीलिए वो क्या करता है, हमें उस स्वीट कोरस को ज्वाइन करने के लिए कहता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज, डू यू थिंक द पोएट एक्सप्रेसेस हिज लव फॉर नेचर थ्रू दिस पोयम, गिव रीज़न टू सपोर्ट योर आंसर। क्या आपको ऐसा लगता है कि इस पोएम के थ्रू पोएट ने अपनी प्रकृति का जो प्रेम है उसको दर्शाया है? अगर आपको ऐसा लगता है तो इसके लिए आपको रीज़न देना है कि ऐसा आपको क्यों लगता है। तो
So our answer is yes. The poet expresses his love for nature because the poet is filled with laughter and joy, and he admires the beauty of nature. Okay, तो हाँ हमें बिल्कुल ऐसा लगता है कि इस पोएम के थ्रू क्या किया है पोएट ने अपनी नेचर के प्रति जो प्रेम है उसको दर्शाया है. तो यस द पोएट एक्सप्रेस हिज लव फॉर नेचर बिकॉज द पोएट इज फिल्ड विथ लाफ्टर एंड जॉय एंड ही एडमायर्स द ब्यूटी ऑफ नेचर. हाँ हमें बिल्कुल ऐसा लगता है कि इसके थ्रू जो नेचर का जो प्रेम है उसने क्या किया है एक्सप्रेस किया है पोएट ने अपना जो नेचर के प्रति प्रेम है वो एक्सप्रेस किया है. बिकॉज द पोएट इज़ फिल्ड विथ लाफ्टर जो पोएट है वो क्या करता है वो बिल्कुल खुशी से भरा हुआ है खुशी और मस्ती से भरा हुआ है. एंड ही एडमायर्स द ब्यूटी ऑफ नेचर और वो क्या करता है प्रकृति की सुंदरता की प्रशंसा करता है. इसीलिए उसने क्या किया है इस पोएम के थ्रू क्या किया है अपने प्रकृति के प्रेम को दर्शाया है. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज पिक एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम. ओके तो यहाँ पर आपको क्या करना है इस पोएम से जो भी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं जो जो भी हमने इस पोएम में यूज़ किए गए हैं जिन जिन वर्ड को हमने डिस्क्राइब किया है उन वर्ड को आपको क्या करना है यहाँ पर लिखना है. सो आवर आंसर इज ग्रीन वुड्स डिम्पलिंग स्ट्रीम मैरी वेट ग्रीन हील स्वीट राउंड माउथ पेंटेड बर्ड्स. ओके इस पोएम में हमने कुछ वर्ड्स को डिस्क्राइब किया है वो ऐसे हैं कि ग्रीन वुड्स हरे जंगलों के बारे में हमने इस पोएम में बात की है. डिम्पलिंग स्ट्रीम नदियों की जो धारा है उसके बारे में हमने बात की है कि नदी की जो धारा है वो कैसी दिखाई देती है ऐसी दिखाई देती है जैसे उसमें मानो डिम्पल पड़ रहा है और वो मुस्कुरा रही है. मेरी वेट हमने मैरी विट के बारे में बात करी है कि जो हवा है वो कैसे दिखाई देती है बिल्कुल खुशनुमा दिखाई देती है. ग्रीन हिल्स हरी पहाड़ियों के बारे में हमने बात करी है कि जो हरे भरे पर्वत हैं वो कैसे दिखाई देते हैं वो जब हंसते हैं तो कैसे लगते हैं इसके बारे में हमने बात की है. स्वीट राउंड माउथ के बारे में हमने बात की है कि जो छोटे बच्चे हैं वो अपने छोटे छोटे माउथ से क्या कर रहे हैं सॉन्ग गा रहे हैं. ओके एंड पेंटेड बर्ड्स रंग बिरंगे पक्षियों के बारे में हमने इस पोएम में बात की है. तो ये जो वर्ड्स हैं वो क्या है हमने यहाँ पर इस पोएम में यूज़ किए हैं. ओके सो स्टूडेंट्स हियर वी विल कंप्लीटेड अवर क्वेश्चन एंड आंसर. आई होप यू ऑल गॉट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन आंसर्स. नाउ योर होमवर्क इज दैट यू हैव टू राइट एंड लर्न दिस क्वेश्चन एंड आंसर इन योर फेयर कॉपी. आपको क्या करना है ये जो क्वेश्चन आंसर है इनका PDF भी इस वीडियो के साथ मैं आपको भेजूंगी. तो उससे आपको क्या करना है इन क्वेश्चन आंसर्स को अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन करना है और इन्हें लर्न भी करना है. ओके थैंक यू.